तरीके क्वेश्चन कैसे आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है चीनी की कीमत 25% वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे, यानी खर्च क्या है अपरिवर्तित रखे, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे चुटकियों में करते हैं, एक बार देखिए जल्दी से। देखिए जैसे कि एक मिनट, आप 25% को क्या लिखोगे, 1/4, ये सबको पता है फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब जो पहले की वैल्यू है वो 4 है और 1 बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये क्या होगा, अब उसकी कीमत, ठीक है। और जब खर्च अपरिवर्तित रखें, सवाल में बोला गया है जब खर्च को अपरिवर्तित रखें तो क्या होता है, जो खपत होती है, ठीक है, क्या होती है खपत, वो इसकी उल्टी हो जाती है, यानी 5 से 4 हो जाती है। तो अब कितने की वृद्धि हुई, देखिए 5 से 4, यानी क्या हुई, कमी हो गई, 1 की कमी हुई, किसके रिस्पेक्ट में, 5 की, और परसेंट लगाने के लिए 100 का, तो कितना आ जाएगा, 20%।